Hi guys, welcome back to Fun and Learn Planet. I hope most of you must have subscribed to the channel, but agar kisi ne nahi kiya hai, please check ke subscribe kijiye, notification bell hit kijiye, aur agar video pasand aata hai, to like kijiye, share kijiye. Guys, main soch rahi thi ki it's very boring to say welcome, thank you, it's nice, how are you, happy birthday, and I'm fine in your daily life. Kyunki hum kitne saalon se usi tarike se thank you bolte aaye hain, usi tarike se welcome, I'm fine, happy birthday. तो हाउ अबाउट अगर हम आज कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से यही फ्रेजेस बोलना सीखें, जैसे कि हैप्पी बर्थडे को अलग तरीके से बोलना सीखें, वेलकम को, थैंक यू को, हाउ आर यू को, इट्स नाइस को. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. The first one is happy birthday. कितनी ही बार हम कितने लोगों को लाइफ में हैप्पी बर्थडे बोल कर आए हैं, बट आज के लिए थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैप्पी बर्थडे वी कैन विश द पर्सन एज विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ग्लो. देन हैप्पी लेवल अपडेट. लेवल अप से मेरा मतलब है कि उसने अपनी एज में एक लेवल अप करा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज ऑफ 21 देन उसके बर्थडे पर वो 22 हो गया है, तो उसने लेवल अप करा है, तो वी कैन से हैप्पी लेवल अपडेट. आई होप इट्स वन ऑफ दोज बर्थडेज दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट. मतलब कि आज तक का ये आपका बेस्ट बर्थडे हो या स्टैंड आउट करे रेस्ट में से. देन वी कैन ऑल्सो से होप दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इज ट्रूली द बेस्ट एंड विशिंग यू अ डे दैट इज एज स्पेशल एज यू आर. ये हम फॉर्मल तरीके से नहीं बोल सकते, मतलब ये हम अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, हमारे रिलेटिव में अगर कोई आपका बहुत क्लोज है उसको बोल सकते हैं. एंड इफ समवन इज वेरी स्पेशल फॉर यू, फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, देन यू कैन से दैट विशिंग यू अ डे दैट इज एज स्पेशल एज यू आर. एंड लेट्स रेज अ टोस्ट टू यू एंड योर लाइफ. हम ज़्यादातर ये फ्रेज अपने फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं जब पार्टी में जा रहे हों या जब हम उन्हें विश करना चाह रहे हों. एंड द लास्ट वन इज एच पी डी. दिस इज वन, दिस वन इज माई फेवरेट. ये व्हाट्सएप में ज़्यादा यूज करा जाता है. एच पी डी इज हैप्पी बर्थडे का शॉर्ट फॉर्म है, तो इट इज एच पी डी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सेम टू यू. सेम टू यू भी बहुत बोरिंग होता है. हमें कोई विश करता है उसको सेम टू यू बोलते हैं. कोई हैप्पी दिवाली विश करेगा हम उसे सेम टू यू बोलते हैं. हैप्पी न्यू ईयर हम उसे सेम टू यू बोलेंगे. तो चलिए आज कुछ चेंज करते हैं. तो इफ somebody says सेम टू यू तो हम क्या बोलेंगे, यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ कोई आपको दिवाली के दिन मिला है एंड somebody is saying हैप्पी दिवाली टू यू, तो हम उसको बोल सकते हैं ओ यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स, कि मैं भी तुम्हें यही विश करने वाला था, तुमने मेरी ग्रीटिंग स्टोल कर ली है. या द फीलिंग इज म्यूचुअल. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ में बहुत अच्छा हुआ है या किसी ने अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, टीम में उसको हाइस्ट मार्क्स मिले और समथिंग लाइक दैट, तो अगर हम ये बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और अगर हम सेम टीम के पार्ट हैं या सेम चीज़ हम दोनों के साथ अच्छी हुई है, तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग सेम टू यू हम उसको बोल सकते हैं ओ द फीलिंग इज म्यूचुअल. देन यू कैन ऑल्सो से अप्रिशिएट थैंक्स अ टन. मतलब कि तुमने मुझे जो कॉन्ग्रेचुलेट करा या जो विश करा उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ. देन यू कैन ऑल्सो से आई विश द सेम टू यू. मतलब कोई आपको ग्रीटिंग्स कर रहा है या हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सेम टू यू यू कैन ऑल्सो से आई विश द सेम टू यू. देन राइट बैक एट यू. जैसे कि हैप्पी दिवाली हुआ या हैप्पी होली हुआ या कुछ भी हम उसको ग्रीटिंग दे रहे हैं या कोई विशेज दे रहे हैं, तो और वो सेम विशेज हम उनको दे सकते हैं, तो हम राइट बैक एट यू भी बोल सकते हैं. अब द नेक्स्ट वन इज सेम अप्लाइज टू यू. मतलब कि मैं सेम आपको भी कह रहा हूँ या आप पर भी सेम अप्लाई कर रहा हूँ. देन द अनदर वन इज आई हार्डली रेसिप्रोकेट द सेम. मतलब कि किसी ने मुझे विश करा या कोई मुझे ग्रीटिंग दे रहा है, तो मैं उसे कह सकती हूँ आई हार्डली रेसिप्रोकेट द सेम. अब हमारा नेक्स्ट आता है थैंक यू. ओ दिस वन इज वेरी कॉमन. और थैंक यू बोलते हुए बहुत ही बोर हो चुका है, तो अब हम थैंक यू को बोल सकते हैं. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा करा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई हेल्प करी है, तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू वी कैन से दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू.
या हम बोल सकते हैं आई ओ यू वन, मतलब कि तुमने मेरे लिए किया है, मैं भी तुम्हें ओ करता हूँ, ऐसा ही कुछ करना। देन आई कांट थैंक यू इनफ, मतलब अगर किसी ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प करी है, आपका बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है, या आपका काम कर दिया है उन्होंने बहुत ही बड़ा, जो कि एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट था, तो आप उनको कह सकते हैं आई कांट थैंक यू इनफ, मतलब कि मैं आपको बहुत थैंक यू नहीं बोल सकता, आपने इतना बड़ा काम मेरा कर दिया है। और यू कैन ऑल्सो से आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वॉट यू डिड, देन आई रियली वैल्यू योर एफर्ट्स, मतलब कि ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है कि जैसे आपकी कंपनी में किसी ने आपकी हेल्प कर दी है, या ऑफिस में, और इफ़ यू आर इन कॉलेज और स्कूल, अगर ऐसे किसी ने आपकी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर दी है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू टू देम, यू कैन ऑल्सो से आई रियली वैल्यू योर एफर्ट्स। देन वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ ग्रेटफुल आई एम, कभी कभी आप इतना ज़्यादा टच्ड हो जाते हो, ये थोड़ा इमोशनल सेंटेंस भी हो सकता है, कि मैं बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना ग्रेटफुल हूँ। जैसे हम हिंदी में कई बार बोल सकते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बोल सकूँ थैंक यू, तो उसी से सिमिलर काइंड का कुछ है ये, वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ ग्रेटफुल आई एम। Then the last one is you are a life saver. अब कभी कभी इतनी difficult situation हो जाती है कि हमसे खुद से कुछ handle नहीं हो रहा है। For example, अगर हमारे घर पे कोई party है, अगर कुछ खाना कम पड़ गया, या कोई arrangement में problem हो गई, और किसी ने आपकी last minute में मदद करी है या help करी है, तो आप उसको बोलते हो oh you are a life saver. So these are the phrases which can be used instead of thank you. Then another one is you're welcome. तो योर वेलकम के लिए आप बोल सकते हो द प्लेजर इज माई, और माई प्लेजर, और आजकल हम बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल हो गए हैं, तो हम सिर्फ प्लेजर भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले तो आप सिर्फ प्लेजर बोल सकते हो, जैसे कोई थैंक यू बोले तो आप बोलो सिर्फ प्लेजर। देन आई नो यू डू द सेम फॉर मी, ये थोड़ा इनफॉर्मल हो गया है, ये मोस्टली हम जैसे फ्रेंड्स में होते हैं, या आपके बहुत ही क्लोज्ड वन है, जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको कोई सामान, जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो अगर आप अपने फॉर एग्जांपल नेबर को बोलोगे कि ओके आई एम नॉट एट होम, तो अगर मेरा पार्सल आए तो आप कलेक्ट कर देना, और वो आपको देता है, और आपने उसको थैंक यू बोला, तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग योर वेलकम, वो आपको कह सकते हैं आई नो यू डू द सेम फॉर मी, मतलब कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते हो, मैंने कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया है। देन ये भी बोल सकते हैं नो वरीज, ये भी थोड़ा इनफॉर्मल होता है, ये हम अपने फ्रेंड्स वगैरह में बोलते हैं, जैसे कोई बोल रहा है ओ थैंक यू यार, ओ नो 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 वरीज। फिर हम बोल सकते हैं डोंट मेंशन, या प्लीज डोंट मेंशन, या मेंशन नॉट, कि आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने कुछ बड़ा नहीं करा है, तो इट्स ओके। देन एनी टाइम, ये भी ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारे थोड़े इनफॉर्मल टाइप हैं, या आप बिजनेस में नहीं यूज़ कर सकते हो, या आप किसी से क्लोज हो तभी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं और योर रिलेटिव्स और योर नेबर्स जिनसे आप थोड़ा क्लोज हो, तो इफ़ दे आर सेइंग थैंक यू टू यू, और आपको कुछ ग्रीट ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो, जैसे यू कैन ऑल्सो से एनी टाइम, दैट इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हो, या किसी की तबीयत खराब हो गई है और आपने उसकी कोई हेल्प कर दी है मेडिसिन या किसी के लिए, और वो आपको थैंक्स बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो इट वॉज अ बिट इमोशनल, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, मतलब कि मैं ये सबसे कम था जो मैं आपके लिए कर सकता था। देन इट वॉज नथिंग, ये भी हम मेनली फ्रेंड्स में ज़्यादा यूज करते हैं, ओ इट वॉज नथिंग, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। देन आई एम हैप्पी टू हेल्प, ये थोड़ा हमारा कस्टमर और बिजनेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, कि अगर आपको कोई थैंक्स बोल रहा है बिजनेस में, तो यू कैन ऑल्सो से आई एम हैप्पी टू हेल्प, कि मैं आपकी मदद करके बहुत खुश हूँ, तो ये थोड़ा फॉर्मल बिजनेस टाइप है। Then we come to the next one, that is how are you? Oh, that very common. बहुत सारे लोग almost daily ये how are you बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा bore हो चुके हैं हम लोग इससे, तो इसको interesting बनाने के लिए हम ये use कर सकते हैं, जैसे first one is how is it going? Oh, कैसा चल रहा है? Instead of saying आप कैसे हो, आप ये भी बोल सकते हो how is it going? Then how have you been? Then how are things at your end? मतलब आपको काफ़ी time से कोई मिला नहीं है, और वो आपसे बहुत टाइम बाद आया है, तो अगर आप हाउ यू बोलोगे तो वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा इमोशनलेस टाइप का, दैट्स व्हाट आई पीपल टू यूज हाउ आर यू, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाउ यू की जगह बहुत टाइम बाद, अगर आप किसी से मिल रहे हो बहुत टाइम बाद से बात नहीं हुई है, तो
तो आप उसको बोल सकते हो हाउ आर थिंग्स एट योर एंड, मतलब कि तुम्हारी तरफ कैसी है चीजें, देन वो आपको बताएगा अच्छा अच्छा ये चल रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट. देन यू कैन ऑल्सो यूज हाउ आर थिंग्स गोइंग, चीजें कैसी चल रही हैं आपकी तरफ, अच्छा बहुत दिन हो गए मिले हुए, ओ हाय हाउ आर थिंग्स गोइंग. आप ये भी बोल सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसे हम कभी हम बहुत दिन बाद हमारा बॉस कहीं बाहर गए हुए हैं और वो बाहर से आए हैं आपसे मिल रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू ये थोड़ा बहुत ज्यादा फॉर्मल लगता है, तो उसके जगह बॉस ये भी बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. या टीचर अगर अचानक से आपके पास में आ गई और आप कुछ कर रहे हो बहुत टाइम, आज आप सुबह से मिले नहीं हो, तो टीचर आपको बोल सकती है व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड ये थोड़ा फ्रेंडली टाइप हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है, तो आप व्हाट्सएप भी बोल सकते हो व्हाट्सएप. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू, आई थिंक व्हाट्सएप इज मोर इन नाउडेज. देन व्हाट्स न्यू, ये बेसिकली सब आपके हालचाल पूछने का ही तरीका है कि आपके पास क्या चल रहा है, आपके आजू बाजू चीजें कैसी चल रही हैं, क्या नया है, तो हम इसलिए ये भी यूज कर सकते हैं व्हाट्स न्यू. तो आई एम फाइन की जगह आप फर्स्ट ये यूज कर सकते हो आई एम डूइंग गुड, जैसे कोई आपसे पूछ रहा है अच्छा आप कैसे हो क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग गुड. देन अगर बहुत ही सारी चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ऐसी सिचुएशन चल रही है कोविड इज देयर, तो अगर आपसे कोई पूछेगा अच्छा हाउ आर यू, कैसा चल रहा है आपके तरफ, या हाउ आर थिंग्स एट योर एंड, तो आप ये भी बोल सकते हो हाउ हैव यू बीन. अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो आई एम ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव, मतलब कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे टाइम में. या कोई पूछ रहा है हाउ यू, तो आप बोल सकते हो आई एम प्रिटी गुड. और दिस वन इज ऑल्सो वेरी कॉमन, आजकल लोग काफी यूज कर रहे हैं इसको, नॉट बैड, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फाइन यू कैन से नॉट बैड. देन अब अगर आपकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, या आप काफी दिनों से किसी से मिले नहीं हो और वो पर्सन आपसे आकर पूछ रहा है स्पेशली इन दीज टाइम्स कि हाउ आर यू, या आपके तरफ चीजें कैसे चल रही है, तो आप उसको कह सकते हो एज गुड एज आई कैन बी, मतलब कि मैं जितनी अच्छी हो सकती हूँ मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ चीजों को. देन यू कैन ऑल्सो से आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव. ओके, सो दिस वन इज अ बिट ट्रिकी वन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हम ज़्यादा ऑफिसेज में यूज़ करते हैं कि अगर आपका कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रेजेंटेशन है, या कोई डिफ़िकल्ट इंटरव्यू देने वाले हो आप, या ऑफिस में चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं चल रही हैं, काफ़ी सारे टेंशन है, स्ट्रेस है, प्रेजेंटेशन का बर्डन है, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे थिंग्स लाइक दैट, मतलब कि सिनेरियोज या सिचुएशंस आर नॉट गोइंग फॉर यू, तो आप उसके अंदर अगर आपका आके कोई पूछता है हाउ यू और वो थोड़ी बहुत सिचुएशन आपकी सेंस करता है, तो आप उसको बोल सकते हो आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फाइन, तो आप उसको बातों में आप उसे बता सकते हो कि आपकी तरफ चीजें कैसे चल रही हैं. सो यू कैन से आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव. देन यू कैन ऑल्सो से गेयरिंग अप, फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह सुबह आपसे ऑफिस में कोई मिल रहा है, या आपका कोई प्रेजेंटेशन है, या आपका कोई इम्पोर्टेंट कोई इवेंट आने वाला है, और कोई आपसे पूछेगा हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हो गियरिंग अप फॉर द डे, या गियरिंग अप फॉर द प्रेजेंटेशन, या आई एम गियरिंग अप फॉर द इंटरव्यू, तो आप ये सब चीजें गियरिंग अप उसमें यूज कर सकते हो जिस भी जगह आप जा रहे हो. देन दिस वन इज द लास्ट वन, बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर जगह इसका यूज किया जाता है. इट्स नाइस और नाइस, वेदर यू आर एट होम, बिजनेस में यूज होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह आप इसको यूज करो. जैसे आपसे कोई पूछ रहा है ओ हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, यू कैन से ओ इट वाज स्प्लेंडिड, देन फैंटास्टिक. जैसे कोई पूछ रहा है आपसे कि खाना कैसा लगा आपको, कोई आपको खाना सर्व कर रहा है, आपसे अगर पूछता है ओ हाउ वाज द फूड, तो यू कैन से ओ इट वाज फैंटास्टिक. देन यू कैन से प्लेजेंट, प्लेजेंट भी यूज किया जा सकता है कि अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा आपको ये जगह कैसी लगी, आपको ये गार्डन कैसा लगा, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स नाइस, यू कैन आल्सो यूज द वर्ड इट्स प्लेजेंट. अमेजिंग, ये भी काफी अच्छा वर्ड है नाइस की जगह यूज करने के लिए. देन यू कैन से इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल ये नाइस से थोड़ा सा अच्छा लगता है, नाइस थोड़ा ओकेश काइंड है, इनक्रेडिबल में थोड़ी फीलिंग्स थोड़े इमोशंस ज्यादा है. देन यू कैन ऑल्सो से इट्स लवली, जैसे कोई आपसे पूछे कि ये मेरी ड्रेस आपको कैसी लग रही है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स नाइस और नाइस, तो आप बोल सकते हो इट्स लवली, तो सामने वाले को लगेगा इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट. सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर माई वीडियो. मैं आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज ला के देती रहूंगी, ताकि आप बोरिंग इंग्लिश से थोड़ी इन इंग्लिश की तरफ आ जाए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय.